तो गाइस कुछ कुछ अगर यहाँ से खाली इतने हिस्से की बात करेंगे तो एविएटर की याद दिलाएगी आपको ये कुछ कुछ। Hey, welcome back to my channel. This is me, your brother Danish. तो तुम्हारा भाई आज तुम्हें दिखाएगा ब्रांड न्यू BS6 इंजन के साथ अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है यामाहा की फसिनो, जो की अपने आप में एक बहुत अच्छा रेट्रो लुक लेके आई थी जब स्टार्टिंग में आई थी, बट अब जो है और ज्यादा खतरनाक शेप में आया है उसका लुक। ओवरऑल फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ उसका एक बेहतरीन सिनेमैटिक, उसके बाद बात करते हैं उसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं और क्या क्या फीचर्स हमारे को अभी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो वो आपको वन बाय वन में चेकआउट कराऊंगा। फिलहाल आप इंजॉय करो सिनेमैटिक। सो गाइस बात करेंगे मेजर चेंज की, जो मेजर चेंज इसको ही बोल सकते हैं, पूरी ओवरऑल लुक को भी बोल सकते हैं, बट स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो ये जो इसका आप दिख रहे हो अलॉय व्हील, पहले नहीं आता था, पहले ड्रम आता था, बट अब इसमें अलॉय व्हील आ गया है। ट्यूबलेस टायर पहले भी आते थे, अब भी आ रहे हैं, लेकिन टायर की जो ग्रिप है वो बहुत ज्यादा अच्छी कर दी गई है, देख सकते हैं आप। टायर भी काफी ज्यादा अच्छा लगाया हुआ है इसमें, काफी ज्यादा। बात करेंगे डिस्क ब्रेक की, तो इस स्कूटर के अंदर दो वेरियंट आ रहे हैं, जिसमें एक में डिस्क ब्रेक मिल रहा है और एक में नहीं मिल रहा है, एक में ड्रम मिल रहा है। चॉइस आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है, ठीक है। साथ में मिल जाती है अल्ट्रा ब्रेकिंग सिस्टम, यहाँ पे बैजिंग मिल रही है इसकी, मतलब कि पीछे की ब्रेक भी यूज करोगे तो भी आगे काम करेगी, आगे यूज करोगे तो आगे काम करेगी करेगी, ठीक है। और बात करेंगे इसका जो आगे जो फेंडर है, इसका लुक काफी ज्यादा पहले चेंज कर दिया है, पहले ऐसा सिमिलर नहीं है, देख सकते हैं काफी ज्यादा पहले से पतला कर दिया गया, आगे से काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक दे रहा है। और उसके ऊपर अगर बात करेंगे इसके इंडिकेटर्स की, तो साइड इंडिकेटर देख सकते हैं ये कितने ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, और इसमें क्रोम की गार्निश मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये सामने से दिखाता हूँ आपको, डुअल टोन गार्निश मिल जाती है, और सामने से कुछ लुक जो इसका आ रहा है कितना बढ़िया आ रहा है, देख सकते हैं आप, थोड़ा हटके आ रहा है कुछ कुछ। अगर यहाँ से खाली इतने हिस्से की बात करेंगे तो एविएटर की याद दिलाएगी आपको ये कुछ कुछ। और अगर बात करेंगे इसकी फ्रंट हेडलैम्प की, तो इतना ज्यादा बढ़िया इसका जो क्रोम का फिनिश दिया, देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़िया है, फुल जो है एक अग्रेसिव लुक निकल कर आ रहा है इसका। बाकी इसमें जो बल्ब है वो एलईडी नहीं है, इसमें हेलोजन बल्ब है, अगर एलईडी होता तो ज्यादा बेटर होता, मतलब ये मेरा मानना है। बाकी अगर बात करेंगे क्रोम फिनिश, तो काफी अच्छा क्रोम यूज हुआ है, और लुक देख सकते हैं साइड से कैसा आ रहा है। इसमें जो इसकी चोच से निकल रही है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है, अंदर जा रहा है इसका ये जो डूम का जो ग्लास है, देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और अगर बात करेंगे इसके कंसोल की, तो कंसोल के साइड में हमको देखने को मिलेगी थोड़ी थोड़ी कार्बन फाइबर फिनिश, देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है देखने में। और मीटर की अगर बात करेंगे, तो मीटर में यहाँ पे फसिनो की बेंडिंग मिल जाती है हमारे को यहाँ पे, और जो इसका जो मीटर है ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, और इसके अंदर हमारे जो इग्निशन के जो वो देखने मिलता है आइकन्स, तो वो मिल जाता है हमारे इंजन का यहाँ पे, ठीक है जी। और बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ एक बारी, तो ये स्टार्ट हो चुकी है इसकी मोटर जो है। जैसे कि आप सबको पता है कि यार नॉर्मली आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी, उसके अंदर क्या होता है कि अब जो कंपनी जो BS6 इंजन आ रही है उसके अंदर जो सेल्फ की मोटर होती है उसकी आवाज़ नहीं आती है, तो पता नहीं चलता गाड़ी कब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो हमारे को मिल जाता है यहाँ पे एक तो इंजन का जो है BS6 का एक इंजन का लाइट, और बाकी इधर मिल जाती है हमारे को, अगर ये लाइट में यहाँ से हाई बीम कर दूंगा तो हाई बीम की लाइट मिल रही है, लो बीम पे काम नहीं करती है, ठीक है। इंडिकेटर की यहाँ मिल जाते हैं हमारे को दोनों सिंबल, ठीक है। और इधर क्या है जी, इधर साइड स्टैंड का आएगा, इधर साइड स्टैंड का, साइड स्टैंड पे गाड़ी बंद हो जाएगी हमारी, ठीक है। साइड स्टैंड का सिंबल नहीं है यहाँ पे, तो गाइस बात करेंगे ये वाला, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी इसमें गाड़ी, जैसे ये एक्सीलेटर जैसे देंगे हम तो स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्या गाड़ी स्टैंड पे खड़ी है, और इसको हम ऑफ कर देंगे तो फिर नहीं होगी गाइस। तो ये नया फीचर डाला है फसिनो, मतलब यामा ने, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। और अगर बात करेंगे इसके साइड मिरर की, तो काफी ज्यादा बढ़िया शेप है इनकी, काफी ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार से मूव हो रहे हो, बहुत अच्छे हैं, वरना कई क्या होते हैं कि इतने ज्यादा वो हल्के होते हैं कि स्पीड से वो अपने आप मुड़ जाते हैं, ठीक है। और बाकी हॉर्न वॉर्न जो है नॉर्मल मिल रहा है इसमें, बस ये चीज अच्छी लगी है मुझे। और साथ के साथ अगर बात करूंगा इसकी मोटर की, तो इंजन के पास ले चलता हूँ भैया, एक बार स्टार्ट करना गाड़ी आप, देखो मोटर की आवाज नहीं आएगी बिल्कुल भी,
गाइस आपने सुना होगा आवाज नहीं आई है, एक बारी मैं और आपको दिखाऊंगा। ये देखो आवाज सुनना, आवाज तो पहले कन 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 आवाज आती थी ना, वो नहीं आएगी इसमें आवाज, तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। बंद कर लो भैया। और बात करेंगे इसके डैशबोर्ड की, तो ये बहुत अच्छा मिल जाता है, देख सो तो पूरी मतलब जो स्कूटी है फ्रंट वाली लुक में अंदर की साइड में देखेंगे तो पूरा कार्बन फाइबर फिनिश मिलता है देखने को, और साथ में आपको यहाँ मिल जाता है कुछ लटकाने वटकाने हैंग कराने के लिए बेसिकली, ठीक है। और बात करेंगे इसके भैया सीट की, सीट ओपन ये होगी, सीट ओपन तो सीट ओपन यहाँ से हो जाएगी हमारे, ठीक है। और स्पेस काफ़ी मिल जाता है, मतलब फुल फेस हेलमेट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, फुल फेस हेलमेट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे भैया ने रख सके रख सकते हो। और इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है वो मेरे ख्याल से 5 से 6 लीटर की है, 6 लीटर मतलब 6.25 लीटर मतलब मान लो, मतलब 6 लीटर मांगे चलो आप यार, 6.2 की बता रखी है कंपनी ने, बट 6.2 नहीं है। अब बाकी टूल देख सकते हैं कैसे रखे हुए यहाँ पे, एक चाबी और एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है हमारे को, ठीक है जी। और अगर बात करेंगे सीट की, तो सीट देख सकते हैं डुअल टोन कलर मिल रहा है, इसकी स्टिच वगैरह बहुत अच्छी हो रखी है, सीट जो है पहले से ज्यादा कुशनिंग वाली हो चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है, मतलब सीट जो है काफी ज्यादा कुशनिंग अच्छी हो रखी है। भैया ने इसके ऊपर कवर लगवाया डुअल टोन देख सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ग्रैब रील की बात करेंगे तो ग्रैब रील भी पहले से ज्यादा बढ़िया हो गया, इसका लुक भी चेंज हो गया, मैट फिनिश आ रही है, पहले क्या होता था सिल्वर आता था, सिल्वर ग्लॉसी, बट अब क्या इसमें मैट देखने को मिलेगा हमारे को, काफी अच्छा ग्रैब रील है। और अगर बात करेंगे पीछे की लुक की, तो ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव है देख सकते हैं आप, तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव लुक निकल के आ रहा है पीछे, फुल्ली चेंज है, मतलब कि अगर इसकी फसीनो की यहाँ पे ब्रांडिंग ना हो तो कोई एकदम से जज नहीं कर पाएगा कि फसीनो है या कोई नया मॉडल निकाला है, तो काफी अच्छा है। बाकी इसकी बात करेंगे एग्जॉस्ट की, तो एग्जॉस्ट में यहाँ पे साइड में देखने को मिल रहा होगा आपको कैथलेटिक कन्वर्टर, कैथलेटिक कन्वर्टर जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे कैथलेटिक कन्वर्टर मिल रहा है, क्योंकि BS6 इंजन के साथ गवर्नमेंट के नोन है कि भाई इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि BS6 में कैथलेटिक कन्वर्टर जरूर आएगा, इसकी वजह से आपका जो एग्जॉस्ट का जो साउंड होता है और जो पोल्यूशन होता है वो सब जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एनवायरमेंट में काफी फर्क पाएगा। और पीछे का जो रिम है वो देख सकते हैं, वो भी फुल्ली अलॉय व्हील है ट्यूबलेस के साथ है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि स्कूटी आप देख रहे हो, स्कूटी स्टार्ट है इस टाइम पे, भैया थोड़ी रेस देना स्कूटी की, हल्की सी रेस, आवाज पता चल रही है आपको, देख रहे हो आवाज आ रही है ना, अगर मैं साइड स्टैंड ये नीचे कर दूंगा स्कूटी हो गई बंद हमारी, ठीक है भैया। ये देखो स्टार्ट अभी करना होगी, अभी नहीं होगी, देखो भैया दबाना स्टार्ट करना, देखो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि अब क्या है भैया BS6 से तो अपडेट कर दी, काफी ज्यादा फीचर बढ़िया कर दिया कंपनी ने, अब इसको मैं एग्जैक्ट ये ऊपर कर दूंगा, करना स्टार्ट। तो गाइस देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी, तो पहले सीट लॉक को जो यहाँ से कराया अभी इन्होंने कंपनी ने, पहले यहाँ पे आता था सबको पता होगा प्रीवियस वाली में, और बाकी लुक देख लो एक नंबर है इसका। तो गाइस ये 125 cc का इंजन जो है पावर वाला है, 125 cc का इंजन है, और इसकी जो अगर बात करेंगे प्राइस की, तो प्राइस में जो डिस्क ब्रेक वाली है वो आपकी जाएगी कम से कम 84 से 85 हजार रुपए ऑन रोड, उसमें क्या होगा मतलब स्टार्ट हो 81 हजार से कुछ, मतलब 80,500 से स्टार्ट है एक्स शोरूम, बाकी डिपेंड करता है कलर के ऊपर, डिपेंड करता है आपके डिस्क ब्रेक और ड्रम के ऊपर, तो 84,000 से 85,000 के बीच में आपको ये मिल जाएगी ऑन रोड। और बाकी इसकी जो माइलेज कंपनी मतलब हमें बता रही है वो बता रही है 55 से 60 की, वो देखते हैं बाकी क्या रिजल्ट आता है इसका, भी तो फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है, फर्स्ट सर्विस होने के बाद पता चलेगा, और बाकी जो है चलाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कैसे ड्राइव कर रहा है इसको। तो गाइज होप करता हूँ आपको ये वीडियो और ये जो नॉलेज मैंने आपको दी है, डिटेल जो बताई है, आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कर देना वीडियो को, और एक कमेंट चुपका देना कि आपको लुक कैसा लगा और रेट क्या है, मतलब ज्यादा लगे कम लगे तो उसके अकॉर्डिंग। और बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मैं दे दूंगा, फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम को फॉलो करो, ऐसी लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए सब्सक्राइब करो चैनल मेरा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।